होप सो यू ऑल विल बी फाइन। कल हम लोगों ने सोशल वर्क का जो है कम्प्रिहेंशन रिटर्न किया था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को कहा था कि बुक्स से उनको फाइंड आउट करें और उनके आंसर्स लिख के मुझे सेंड करें। ओके अब जो है हम लोग नेक्स्ट पेज नंबर 14 से वर्ड सेंटेंस करने वाले हैं। कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं। एक सेंटेंस जो मैं आपको लिखवाऊंगी आप लोग वो नोट डाउन करेंगे और दूसरा सेंटेंस आप लोग खुद से बना के नीचे लिखेंगे। यानी कि एक वर्ड के आपने दो सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके फर्स्ट वर्ड है सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज के बारे में आप लोग ऑलरेडी जो है उसमें पढ़ चुके हैं चैप्टर में। सोशल वर्क में सोशल साइंसेज होता है समाजी उलूम, ठीक है, जिसमें हमें माशरे के बारे में इलम दिया जाता है उसको हम सोशल साइंसेज बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड आप बहुत सारे जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं और आप लोग बहुत अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें मैंने एक सेंटेंस लिखा है ही हैज टेकन एडमिशन इन द सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट। उसने कहाँ एडमिशन लिया, उसको कहाँ एडमिशन मिला है, सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट वर्ड पे आए कम्युनिटी काउंसिल। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि मैम क्लियर नहीं आ रहा, तो आप ऐसा किया करें कि जब मैं उसको बोल रही होती हूँ तो उसको अच्छे तरीके से लिसन किया करें और उसको खुद लिख लिया करें। कम्युनिटी काउंसिल है, ठीक है, काउंसिल आपको पता है जब कोई जमात होती है कम्युनिटी काउंसिल जो कि लोगों के लिए काम करती है, दे वर्क इन कम्युनिटी काउंसिल। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन बुनियादी ढांचा, किसी भी चीज़ का हो सकता है बुनियादी ढांचा। द वॉर हैज़ बीन बैडली डैमेज द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पता है जब कोई इस तरह के हंगामी हालात होते हैं या जंग वगैरह होती है तो फिर किसी भी मुल्क में हो किसी भी कंट्री में हो तो उसको बहुत बुरी तरह डैमेज करते हैं। यानी कि उसका जो बुनियादी ढांचा है उसको हिला के रख देती है, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो वीक हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड है फोर्थ वाला नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर मीन्स फ्रेज था कल मैंने आपको समझाया था। नेचुरल डिजास्टर होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से नागहानी आफत होती है, अल्लाह ताला की तरफ से हम पे मुसीबत आती है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था समुद्री तूफान के बारे में, ठीक है, और कौन कौन सी होती हैं, जैसे ये अर्थक्वेक है, जलजले वगैरह आते हैं, ये भी नेचुरल डिजास्टर है। अर्थक्वेक इज़ वन ऑफ द वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर। अर्थक्वेक जो है उन जो है जो होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से आफतें होती हैं उनमें से एक बहुत बदतरीन आफत है जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कास्ट। कास्ट होती है जात, ठीक है। इसका सेंटेंस है द कास्ट सिस्टम इज स्टिल स्ट्रॉन्ग इन सम कंट्रीज। के जो कास्ट सिस्टम है अभी तक जब आप देखते हैं कि 21st सेंचुरी है जिसमें जो है सोसाइटी हमारी कितनी डिवेल्प कर चुकी है, लोग कहाँ तक चांद तक पहुँच चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं जिनमें कि हम लोग भी आते हैं उसमें क्या है कि कास्ट सिस्टम को स्टिल जो है स्ट्रॉन्ग रखा गया है। लोग इवन एक कास्ट सिस्टम की वजह से दूसरों के साथ अगर वो अगर नीच जात का है छोटी जात का, अल्लाह ताला ने हर इंसान को बराबर बनाया लेकिन उसकी छोटी जात की वजह से उसको नीच जात का कहा जाता है, उसके साथ बैठ के लोग खाने को पीने को मतलब पूरा समझते हैं। ज़्यादा ये सिस्टम जो है इंडिया के मुल्क में है, ठीक है, हमारे कंट्री में ऐसा नहीं क्योंकि इस्लाम ने सबको जो है इक्वल राइट्स दिए हैं, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रीड। क्रीड मीन अकीदा। द ट्रेडिशन ऑफ आवर क्रीड हैव बीन हैंडेड डाउन फॉर जनरेशन। ये जो ट्रेडिशन होता है जो अकीदा होता है उसकी रवायत होती है वो क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे बाप से बेटे में बेटे का वही अकीदा है वही मजहब है जो कि बाप का है, ये चीज़ इसमें बताई गई है। सैंपल, सैंपल में नमूना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई चीज़ बना रहे हो तो उसका एक सैंपल होता है जो हम अगर कोई किसी ने हमसे वो चीज़ बारो करनी है या खरीदनी है तो वो पहले उसको चेक करने के लिए हमसे सैंपल मांगेगा, तो वो जो उसको हम बोलते हैं सैंपल नेमा। दे आर गिविंग अवे सैंपल्स फ्री। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्टेन। ऑब्टेन हासिल करना। आई वुड लाइक टू ऑब्टेन सम कॉपीज ऑफ दिस बुक। कि मैं इस बुक की इस किताब की जो मुझे पसंद आई है मैं उसकी कॉपीज कुछ कॉपीज हासिल करना चाहता हूँ। फिलेंथ्रॉपिक, फिलेंथ्रॉपिक होता है समाज दोस्त, इंसान दोस्त, जो कि इंसान से मोहब्बत करने वाला इंसान होता है उसको हम फिलेंथ्रॉपिक बोलते हैं। सोशल वर्क हैज मिनिमाइज चांसेस ऑफ वेस्टेज ऑफ फिलेंथ्रॉपिक सर्विसेज। इसमें वो बता रहे हैं कि सोशल वर्क जो है उसने किस चीज़ के चांसेस को कम कर दिए हैं, जो फिलेंथ्रॉपिक लोग जो इंसान दोस्त लोग थे उनकी दिमाग अगर सोशल वर्क ना होता कुछ कम्युनिटीज ना बनाई जाती वो लोग अपना अगर लोग किसी की मदद करते भी थे तो एक लिमिटेशन में रह के एक महदूद जगह में रह के, लेकिन जैसे ही कुछ अदारे बनाए गए उसमें लोगों ने इंडिविजुअल भी और ग्रुप के फॉर्म
फॉर्म में काम करना स्टार्ट किया, तो फिर वो लोग जो कि सोसाइटी की खिदमत करना चाहते थे, लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, उनको बहुत अच्छा मौका मिला कि वो काउंसिल्स को ज्वाइन करें, जाके लोगों की मदद कर सकें। लास्ट वर्ड है रिहैबिलिटेशन, दैट इमेंशन सप्लाई ऑफ स्लेव्स फॉर डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ फ्री लेबर। ठीक है, ये टोटल आपके सेंटेंसेस हैं, इनको आप लोगों ने ये सेंटेंसेस को आपने नोट डाउन करने ही हैं। ठीक है, पहले लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनिए और एक एक वर्ड को करेक्ट स्पेलिंग के साथ आप लोगों ने लिखना है। जो मेन चीज़ है आप लोगों की प्रोनंसिएशन है, आपने इसको करेक्ट प्रोनंसिएशन के साथ रीड करना है। मीनिंग मैंने आपको साथ साथ बता दी है, वो भी आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। और सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस आप लोग नोट डाउन करेंगे और साथ में आप लोग हर वर्ड का, अगर मैंने आपको टोटल 8 वर्ड्स लिखवाए हैं तो आप 8 वर्ड्स के 16 सेंटेंसेस बनाएंगे। वो कैसे, 8 जो मैंने लिखवाए हैं आपको वो, और 8 आप लोग खुद बनाएंगे, हर वर्ड का एक सेंटेंस बनाएंगे। और हर स्टूडेंट ने ये काम करना है, मुझे दोनों 8 वर्ड्स के 16 सेंटेंसेस जो हैं आप लोगों ने की मुझे पिक्चर्स लेके सेंड करने, ताकि मैं आपको चेक करके वापस आपको भेजूँगी कहाँ आपकी मिस्टेक हुई है। ठीक है, ओके, हाफिज़।